कॉम्पिटेटिव इंग्लिश के वर्ड पावर के प्रैक्टिस सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मुन्ना सर छपरा से। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम सिनोनिम्स के ऊपर चर्चा करेंगे। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, तो आज के प्रैक्टिस सेशन का पहला शब्द इमेंसिएटेड। इमेंसिएटेड का मतलब दुबला या कमजोर होता है। इसके फोर ऑप्शंस का ए है वीगरस, जिसे हम दमदार या ऊर्जावान कहते हैं। बी है थिन, जिसे हम दुबला या कमजोर कहते हैं। सी है गैरुलस, जिसे हम बातूनी कहते हैं, अधिक बोलने वाला कहते हैं। एंड डी है अनफिट, जिसे हम अयोग्य कहते हैं। तो शब्द के हिसाब से इमेंशिएटेड का मतलब दुबला या पतला होता है, तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा थीन होगा। अगला शब्द डेडली, जिसे हम घातक कहते हैं या जानलेवा कहते हैं। फोर ऑप्शंस का ए है अनलॉफुल, गैर कानूनी। बी कहता है लेथल, घातक या जानलेवा। सी है एरा, योग्य। एंड डी है डेलिक्वेंट, जिसे हम कहते हैं बाल अपराधी या किशोर अपराधी। तो शब्द के हिसाब से डेडली का एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा लेथल होगा। नेक्स्ट वर्ड है इलेजी। इलेजी का मतलब शोक गीत। इसके फोर ऑप्शन का ए है एपिटाफ, समाधि लेख होता है। बी है हार्टन, प्रोत्साहित करना। सी है सैड सॉन्ग, शोक गीत। एंड डी है स्कॉर्न, जिसे हम तिरस्कार या नफरत या घृणा कहते हैं। तो शब्द के हिसाब से एलर्जी का एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा सैड सॉन्ग होगा। नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्रोशिया। एम्ब्रोशिया का मतलब अमृत होता है। ए में है पॉइजन, जहर। बी में है नेक्टर, अमृत। सी में है पार्ले, मौखिक बहस को पार्ले बोला जाता है। एंड डी में है पेंचेंट, इट मीन्स लगाव या झुकाव कहा जाता है। ये पेंचेंट इंक्लिनेशन का सिनोनिम है। तो एम्ब्रोसिया का एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा नेक्टर होगा। एंड लास्ट वर्ड है नैब। नैब का मतलब गुलाम या दास होता है। ए में है केयरफुल, सावधान या सतर्क। बी में है कंसाइज, छोटा या संक्षिप्त। सी में है स्लैब, दास या गुलाम। एंड डी में है श्रुड, सियाना या होशियार। तो नैब का एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा स्लैब होगा। एक बार फिर मैं इन शब्दों को आपके बीच रखना चाहूंगा। इमेंशिएटेड दुबला या पतला, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा थीन है। डेडली का मतलब जानलेवा या घातक, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा लेथल है। इलेजी का मतलब शोक गीत होता है, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हमारा सैड सॉन्ग। एंड एम्ब्रोशिया का मतलब अमृत होता है, इसका सिनोनिम हमारा नेक्टर है। और नैब का मतलब दास या गुलाम होता है, इसका सिनोनिम हमारा स्लेव है। तो उम्मीद है आज की यह कंटेंट आप पसंद करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।